दोस्तों, अभी हम परिक्रमा करके फोटो खिंचाने की तमन्ना में और यहाँ पर एक कैमरा और भी चालू, जो यही अक्षय वट है जहाँ पर भगवान राम रहते थे, ये देखिए। और इसी के हम लोग परिक्रमा किए और इसी अक्षय वट मंदिर के अंदर हम चौ नीचे आ गए हैं। गाइस, अभी हम लोग जा रहे हैं गंगा स्नान कर रहे हैं और यहाँ पर देख सकते हैं हमारे सारे काफी दोस्त हैं। इस तरीके से हम काफी दोस्त हैं और यहाँ पर काफी मेला भी लग चुका है और देख सकते हैं काफी लोग, काफी दिन हो गया हम लोग अभी 2 दिन से रखाए नहीं, तो अभी भी सोचा कि जाएंगे यहाँ पर सभी सोने की कोशिश करेंगे। एक हफ्ते से नहाया नहीं है, जा रहा है गंगा नहाने और इस तरीके से है कुछ। यहाँ पर कुछ इस तरीके से दर्शन देख सकते हैं, अद्भुत। और यहाँ ये रहा है, यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर और यहाँ तक पानी आराम से दर्शन से इस तरह से और हम तक पहुँचे जा रहे हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं हाल है काफी, तो ये रहा और संगम। यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो चुकी है और अमावस्या का दिन था और यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, इधर से है संगम जाने का मार्ग और यहाँ पर काम भी चल रहा है और संगम जाने के लिए आगे जाना पड़ेगा हमें। तो यहाँ से मैं जा रहा हूँ आगे और यहाँ से हम लोग करेंगे स्नान, स्नान करने के बाद लौटेंगे फिर वापस यहाँ पर और बजरंगबली हनुमान जी के दर्शन भी करेंगे और हो सकता है किले तक भी जाएं। तो दोस्तों यहाँ पर देखते हैं काफ़ी ज़्यादा नज़ारा हम आपको दिखा देते हैं। ये रहा हमारे प्रयागराज बढ़ते और यहाँ पर जो भूल जाएंगे, कहीं गुम हो जाएंगे, तो यहाँ पर आके अनाउंस करवा सकते हैं और यहाँ पर सारी कमेटियाँ लगी इस तरीके से। तो दोस्तों यहाँ पर जो है स्नान की जगह पर वीडियो बनाना अलाउ नहीं है, मोबाइल यूज़ करना अलाउ नहीं है। तो अभी हम क्या करेंगे कि वीडियो को करेंगे देंगे बंद, तो स्नान करने के बाद हम आपको और जगह का नज़ारा दिखाएंगे। तो ये रही मेरे गंगा मैया की अद्भुत दृश्य और यहाँ पर बहता पानी और यहाँ पर पक्षी भी हैं, यहाँ देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा सुंदर नज़ारा। ये रही दोस्तों, ये है संगम का क्षेत्र और काफ़ी लोग उस पार भी गए हुए हैं, वहाँ से वहाँ पर एक बिल्डिंग बनी हुई है तो देख सकते हैं। तो यार गाइस, अभी हम लोग स्नान कर चुके हैं, स्नान करते वक्त हम लोग वीडियो नहीं बनाया था क्योंकि वह अलाउ नहीं था, हमने पहले ही बता दिया था। और काफ़ी ज़्यादा पानी ठंडा था, लेकिन ठंडी नहीं लग रही थी पानी के अंदर और पूरा शरीर हो गया था ठंडा और उसके बाहर निकलने के बाद कब कभी स्टार्ट होने लगी। तो इस तरीके से हम लोग स्नान कर चुके हैं, अब चलेंगे बजरंग बली के दर्शन करेंगे, बड़े हनुमान जी जहाँ पर हैं। तो चलिए इसे बाद में दिखाते हैं आपको। तो मैं देख सकते हैं और यहाँ पर एक सवारी हो रही है ये हर रेगिस्तान का जहाज और ये जहाज पर सवारी करते हुए लोग यहाँ पर। दोस्तों अब ये रहा अकबर का किला और हम लोग किले से दूर आ चुके हैं और किले के पास पहुँचने वाले हैं। यही किले के पास में है बजरंगबली बड़े हनुमान जी का मंदिर, तो अभी चलेंगे वहाँ पर। हम लोग नहा करके वहाँ लौट चुके थे और यहाँ पर ये रहे नाम बनवाने का।
किला अकबर का जो कि पास से आपको दिखा रहा हूँ। और अभी हम चलेंगे पातालपुरी और एवर्ट का मंदिर जो है, और यहाँ से इसका प्रवेश द्वार है। और यहाँ पर मैं आप जाऊँ शायद अलाउ है कि नहीं। तो गाइस ये वीडियो आपको कैसा लगा वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और कमेंट बॉक्स में नमामि गंगे लिखना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, धन्यवाद। हर हर गंगे।